तुम, हाँ हाँ तुम आओ इधर। देखिए जाधव साहब, यही है जिसने पेपर लीक करके बेचे हैं। कहती है नागपुर के एक्स डीसीपी की बेटी है, लेकिन वो तो छोड़िए, कॉलेज के डायरेक्टर की बीवी भी है। देखिए पैसों के लिए कितना घटिया काम किया है इसने, ये तो हाल है देश के भविष्य का। भविष्य तो वाकई अंधकार में। सर मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैंने चीटिंग की है ना पेपर लीक किया, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी और इसी एग्जाम में दोबारा बैठ के भी दिखाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर बैठना, पर 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल के लिए आपको बैन किया जा रहा है। अब आगे से आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसकी परमिशन नहीं आपको। अब चलो साइन करो और निकलो, और हाँ आगे से अगर पेपर लीक किया या कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो सीधे अंदर डाल दूंगा। सभी मेरी बात सुनो, सभी 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 ये सब, एक सेकंड, ये लो रुमाल प्लीज पोछ लो ये सब। झूठी परवाह मत दिखाई यार, क्या फर्क पड़ता है आपको? हाँ देखो सभी, मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं, लेकिन फिलहाल हमारे इश्यूज को हम लोग साइड में रखते हैं। मैं यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की हैसियत से आ रहा हूँ, और तुम उसी इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हो जिस पर पेपर लीक करने का इल्जाम लगा हुआ है। सभी प्लीज मुझे बताओ अंदर क्या हुआ। मेरे सपनों का कत्ल हुआ है, 5 साल के लिए मुझे बैन कर दिया गया है, अगले 5 साल तक किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं दे सकती मैं। ओह माय गॉड, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।